फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं हूँ मीनू राठौर। और आज की वीडियो मैंने शेयर किया कि मैंने अपनी दीपावली पर अपना जो लहंगे के साथ मेकअप लुक है वो कैसे क्रिएट किया है। बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से मैंने करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आए। फुल ट्रेडिशनल स्टाइल में मैंने करने की कोशिश की है। किसी भी पार्टी फंक्शन या फेस्टिवल पर आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहिएगा। चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो एंड में अच्छी लगे लाइक करना। फ्रेंड्स, फेस को क्लीन करने के बाद गुड वाइब्स का फेस मिस्ट ये मैं अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने हैंड से टैप टैप कर लिया। इसके बाद NYV का लिप बाम मैंने लगाया है लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। इसके बाद मैं पर्पल का ये लगा रही हूँ फेस सीरम। और इसके ड्रॉपर की हेल्प से इसे अच्छे से फेस पे लगाकर फिंगर टिप्स की हेल्प से इसको अच्छे से आपको लगा के ब्लेंड कर लेना है। इसके बाद मैं लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर ले रही हूँ। इसको आपको आपके हैंड पर लेके अच्छे से आपको आपके ऑल ओवर फेस एंड नेक पर लगा लेना है। इसके बाद मैंने लिया है ब्लू हेवन का प्राइमर। इसको मैंने फिंगर से लेके जहाँ भी आपके ओपन पोर्स हैं पहले वहाँ की साइड अच्छे से लगाकर और सर्कुलर मोशन में इसको लगा लेना है। इसके बाद मैं आई प्राइमर ले रही हूँ, गुड वाइब्स का है ये। फिंगर की हेल्प से मैंने आईज पे अच्छे से इसको पहले लगा लिया थोड़ी देर के लिए। अब हम अपने फेस को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब पहले हम आईज का मेकअप कर लेते हैं। तो मैं आईज पर ये ब्लू हेवन का मैंने कंसीलर लिया है, इसको लगाया है। इसको लगा लिया है मैंने इसके एप्लीकेटर की हेल्प से। और इसके बाद मैंने इसको ब्लेंड करने के बाद लूज पाउडर लिया है स्टे क्विकरी का और उससे इसको सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा पाउडर है उसको डस्ट आउट कर दिया है। ये मैंने एक ली है आई शेडो किट, नॉर्मल शॉप से ली थी ये मैंने। तो इसमें से पिंक कलर शेड, पिंक शेड को मैं ले रही हूँ अच्छे से ऑल ओवर आईज पर। पहले मैं इसे लगा ले रही हूँ। लगाने के बाद गाइज यहाँ पर ले रही हूँ मैं फिर से थोड़ा सा लाइट पिंक और इसे ऊपर की साइड लगा रही हूँ। और मैंने डार्क ब्लू कलर का या ग्रे कलर का शेड है ये, इसको ले लेना है आपको। आउटर वी की साइड लगाना है। लगाने के बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लेना है इनर और इनर कॉर्नर में। मैं लाइट पिंक शेड लेकर लगा ले रही हूँ छोटे वाले ब्रश की हेल्प से। इसके बाद सारे कलर्स को मैंने एक साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और इसके बाद मैंने एक यहाँ पर पैड वाइप्स लिया है और इसको थोड़ा सेट कर लिया है। जो भी फॉल आउट हुआ था आइस के नीचे वो मैंने हटा दिया है पाउडर ब्रश की हेल्प से। और इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का गोल्डन शिमर आई शेड लिया है और मिडल आई लिड पर मैंने लगा लिया। फिंगर की हेल्प से भी अच्छा से मैंने ब्लेंड कर लिया है। अब मैंने इसी आई शेडो में से ब्लैक शेड लेकर अपनी आईब्रो को फिल कर लिया है। और सेम दूसरी आईब्रो को भी करने के बाद स्पूली की हेल्प से अच्छे से कॉम कर लेना है। अब मैं आईब्रोज के ऊपर कंसीलर ले रही हूँ और थोड़ा फोर हेड पर मिडल साइड में नोज के अराउंड लगा ले रही हूँ, लिप्स के अराउंड लगा ले रही हूँ। आप चाहें तो ये स्टेप फाउंडेशन के बाद भी कर सकते हैं, पर मैं दिवाली के दिन बहुत जल्दबाजी में थी जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने कर दिया। और इसके बाद मैंने जो कंसीलर लगाया था उसको मैंने जो लूज़ पाउडर है उसको लगाकर बेकिंग के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए। इसके बाद स्विस ब्यूटी का आईलाइनर लिया है मैंने और इसको एक हल्का सा विंग आईलाइनर मैंने क्रिएट किया है। दोनों आईज पर लगाने के बाद आईलैशेस कलर गब के आईलैशेस कलर की हेल्प से मैंने इसको कर्ल कर लिया है अच्छे से। करने के बाद गाइज मैंने जो बेकिंग की थी उसको पाउडर ब्रश की हेल्प से हटा दिया है। और इसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे लिया लैक्मे का आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा और इसको मैंने अच्छे से अपनी आईलैशेस पर लगा लिया है। आप चाहें तो सेकंड कोट भी लगा सकते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर माई ग्लेम का इंडिगो काजल है ये इसका कलर और इसको मैंने अपर वाटर लाइन और लोअर वाटर लाइन दोनों पे लगाया, थोड़ा सा बाहर की साइड भी स्मच किया है और पिंक शेड लेकर आई शेडो का नीचे काजल की साइड स्मच कर लिया है। और ये मैंने परसोनी का लिया है फाउंडेशन, इसको इसी के एप्लीकेटर के हेल्प से पहले तो ऑल ओवर फेस पर डॉट डॉट करके लगा लिया है, फिर फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसको पूरे फेस पे ब्लेंड किया है, थोड़ा सा फैलाया है। इसके बाद नेक पे भी करने के बाद मैंने यहाँ एक बीट ब्यूटी ब्लेंडर लिया है और इसको अच्छे से टैप टैप करके पूरे जो मेरा बेस है उसे सेट कर ले रही हूँ। अच्छे से करने के बाद मैंने फिर से एक सेटिंग स्प्रे लिया है और इसको अगर आपको लग रहा है कि नहीं फाउंडेशन ब्लेंड हो पा रहा है तो सेटिंग स्प्रे को आप स्प्रे कर दीजिए तो आसानी से ब्लेंड होने लग जाता है। और करने के बाद मैंने कंसीलर को हल्का सा जहाँ विंग आईलाइनर क्रिएट किया था वहाँ लगा लिया तो इससे एक शार्प लुक आ जाता है आईज के मेकअप का। इसके बाद मैंने एलेटिन का कॉम्पैक्ट पाउडर से सारे बेस को सेट कर लिया है। इससे अच्छे से आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप ये हो जाता है।
करने के बाद मैंने यहाँ पे एक पिंक कलर का पहले लिया है लिपस्टिक को और उसको चीक्स पर लगाया है और एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से पहले ब्लेंड किया, फिर ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से किया। इसके बाद मैंने माई ग्लिम का ये मैंने लाइट पिंक सेट का ब्लश इसके ऊपर लगाया, तो इससे जो आपका ब्लश है लॉन्ग टाइम तक चल जाता है। और इसके बाद लाइट गोल्डन कलर का आई शेड में से ही आई शेडो लेकर मैंने इनर कॉर्नर को हाईलाइट किया। उसके बाद आईब्रो जो है आईब्रो बॉन्ड पर भी मैंने फिंगर की हेल्प से लगा लिया। इसके बाद स्विस ब्यूटी का मैंने लिया है मर ब्रिक हाइलाइटर और एक छोटे ब्रश की हेल्प से मैंने इसको चीक बोन्स पर हल्का सा नोज पर हल्का सा चिन पर और फोरहेड पर लगा लिया है। और लगाने के बाद लिप्स की तरफ चलते हैं। मैं लॉन्ग लास्टिंग लिप्स का मेकअप करूँगी। सबसे पहले आपको लिप्स को अच्छे से एक डार्क शेड के जो लिप लाइनर है उससे आउटलाइन कर लेना है। करने के बाद हल्का सा इसके इनर कॉर्नर में आपको इसी को लगा लेना है। इसके बाद मैंने NYV की ये पिंक कलर का लिपस्टिक लिया है, एक बार टिश्यू पेपर से इसे टैप किया है और दोबारा एक कोट और लगाया। उसके बाद फिर मैंने टिश्यू पेपर लिया है, कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है ब्रश पर और इसको अच्छे से आपको लगा लेना है। इसके बाद हल्का सा जो रह गया ब्रश को उसको भी लिप्स के ऊपर लगा लेना है। और एक बार लग रहा है आपको कि आपकी जो लिप लाइनर है हल्की सी फेड हो गई है तो दोबारा भी हल्की सी आउटलाइन कर दीजिएगा, इससे आपकी जो लिपस्टिक है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी। अब मिडल पार्टीशन किया है मैंने और ये ड्राई सिंदूर है, इसको फिंगर की हेल्प से लगा लिया अच्छे से जहाँ तक आपको लगाना है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे जो है ये जो अपनी ज्वेलरी है इसको कैरी कर रही हूँ, तो ये मांग टीका छोटा है तो इसको इस तरह की कोई भी आप चैन ले सकते हैं। इसको इसके हुक में डालने के बाद आप आसानी से इसे पीछे तक ले आकर लगा सकते हैं, तो ये एक हैक है आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने अपना लहंगा पहन लिया है और हेयर स्टाइल बना ली है, ज्वेलरी पहन ली है मैचिंग का मैंने इसके साथ चोकर सेट पहना है, बैंगल्स डाली हैं। सो फ्रेंड्स ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।